छोटा आदमी जितने नेता बैठे हैं इनमें सबसे मेरा छोटा है। महाराष्ट्र में एक ही दो एमएलए चुनके लाता हूँ, परंतु मैं देख रहा हूँ तो पब्लिक की जज्बात है, जो लोग खड़े हुए हैं तो समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है इंशाल्लाह। अभी मेरे भाषणों को तोड़ मोड़ कर कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। कानून व्यवस्था को लेकर क्या बहुत खराब, इससे खराब क्या हो सकती है? आप देख लीजिए, आप कल इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन कब तक छुपाएंगे? देख रहा है कि जान बुझ के गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं और मिनिस्टर का बेटा बैठा है और बड़ी अहंकार की बात कर रहा है। एक पुलिस वाला कहता है कि मुझे अगर विधायक जी को मारना ही था तो पहले बता देते, मैं अपना कपड़ा उतार के सिविल ड्रेस में आ जाता। मेरे विधायक ने तो पुलिस के वर्दी की बेइज्जती कर दी, रेप लूटमार कुछ नहीं है, और उत्तर प्रदेश में अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगी हुई है। आप बरेली में आए हैं, आपको बरेली के बारे में कुछ संज्ञान है पार्टी के बारे में, यहाँ की गुटबाजी को लेकर के आपके दिमाग में? पार्टियाँ करोड़ों लाखों लोगों का नाम होता है, कोई गुटबाजी? आज जिला अध्यक्ष नहीं वोट देगी, सब ठीक है। आप इतने बड़े चेहरे आए हैं, जिला अध्यक्ष नहीं है आज यहाँ पर? कोई बात नहीं, मैं पार्टी लेवल पे ये काम नहीं कर रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। मैंने फालतू में आ रहा है और फालतू के सवाल करा, जवाब तो ले लो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिला अध्यक्ष को बुलाया है, वो गए हुए हैं, और उसके बाद भी मैंने 30 जिले में गया हूँ, मैंने किसी अध्यक्ष को फोन किया, पार्टी मीटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं लोगों को समझाने के लिए, खासतौर से माइनॉरिटी के लोग, दबे पिछड़े लोग कहीं बहकने ना पाए, इसलिए मीटिंग कर रहा हूँ। और महानगर अध्यक्ष बैठे क्या जी आप आते यहाँ गुटबाजी बात की? कोई गुटबाजी नहीं है, आप जिस जगह से आ रहे हैं से, वहाँ कई बार जो है समाजवादी पार्टी जीत के आ रही है। अच्छा गुटबाजी कहाँ है? हो तो हो,